तो इंडिया और श्रीलंका के बीच भाई ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑब्वियसली सीरीज में हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार ये दोनों प्लेयर्स ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे और इस सीरीज में इन दोनों प्लेयर्स को खेलते हुए देखने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ऊपर से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का ओडीआई में कमबैक भी होने वाला है और वैसे भी गौतम गंभीर के एरा में सभी बैट्समैन बॉलर भी बनते जा रहे हैं और क्या पता इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली 10-10 ओवर करा दे। तो बेसिकली श्रीलंका के अगेंस्ट वाला मैच भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में देखते हैं इन दोनों टीम्स के बीच क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है और इस मैच के लिए टीम इंडिया की क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अच्छा, तो वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो टीम इंडिया ने श्रीलंका को T20I सीरीज तो हरा दिया, वो भी 3-0 से, और इन तीनों T20I मैचेस में टीम इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और हालांकि तीसरे T20I में बैटर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन बॉलरों वाला काम भी उन्होंने कर दिया था। और वैसे भी गौतम गंभीर के एरा में हमें 11 के 11 प्लेयर्स ऑलराउंडर्स ही दिखेंगे और विराट कोहली की तरफ से इस सीरीज में हमें भाई एक ना एक शतक जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि ओडीआई में वो भी कोलंबो में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स काफी तगड़े हैं, जहां पर कोलंबो में उन्होंने 10 ओडीआई इनिंग्स खेली है, 644 रन बनाए हैं, 107 का एवरेज है जिसमें 4 शतक है और 1 अर्धशतक है और इसलिए एक ना एक शतक इस ग्राउंड में हमें विराट कोहली की तरफ से देखने को तो मिलेगी। और वैसे भी श्रीलंका के मेन फास्ट बॉलर्स तो इंजर्ड ही पड़े हैं, यानी पथिरान और मधुशंका, और उनके पास कोई ऐसा मेजर फास्ट बॉलर है भी नहीं। तो अब देखते हैं इन दोनों टीम्स के बीच क्या है टू हेड रिकॉर्ड्स है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक टोटल 168 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 99 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं और 57 मैचेस जीते हैं श्रीलंका ने। तो बेसिकली रिकॉर्ड से पता चलता है कि टीम इंडिया डोमिनेटिंग रही है अगेंस्ट श्रीलंका इन ओडीआई मैच, और ऐसी परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से हमें इस मैच में भी देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं टीम इंडिया की मेरे हिसाब से क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो ओपनिंग पाएंगे ऑब्वियसली रोहित शर्मा जो कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार ओडीआई में खेलते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ आएंगे वाइस कैप्टन शुभमन गिल, उनके बाद नंबर 3 पर नो डाउट विराट कोहली, फिर नंबर 4 पर आते हैं श्रेयस अय्यर और ये भी ओडीआई में कमबैक करने वाले हैं, नंबर 5 पर आएंगे विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल और ये भी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अब ओडीआई मैच खेलेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओडीआई में ऋषभ पंत को मौका मिलेगा। उनके बाद नंबर 6 पर आते हैं ऑलराउंडर में शुभम दुबे, फिर नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर और नंबर 8 पर आते हैं अक्षर पटेल, और वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने रिसेंट T20I सीरीज में भी भाई काफी तगड़ा परफॉर्म किया था। उनके बाद नंबर 9 पर आते हैं मेन स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव, फिर नंबर 10 पर आते हैं हर्षदीप सिंह और 11वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद सिराज। तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया की ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है अगेंस्ट श्रीलंका फॉर द फर्स्ट मैच। तो आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी और आपके हिसाब से क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।